हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हमारी राइट चॉइस जहाँ पे आपको यूज्ड कार का स्टॉक मिलेगा। तो बेसिकली ये वीडियो में आपको यहाँ के 8 सीटर और 7 सीटर कार का स्टॉक बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लीजिए ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाए। और जितने भी कार्स मैं आपको बताऊंगा उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इतने से इतना डाउन पेमेंट पे करके आप वो कार परचेज कर सकते हो। जितने भी कार्स यहाँ पे अवेलेबल है सब अच्छे कंडीशन में है और एकदम रीजनेबल प्राइस में है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर तो बस आपको क्लिक करना है। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने का जो बाजू का जो बेल आइकन है वो भी याद से दबा के रखना ताकि मैं जब कभी न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले अपडेट आपको जाए। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से पहले मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट देता हूँ कि कौन सी वीडियो मैं कब अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस चले देखते हैं यहाँ के यूज्ड कार का कलेक्शन। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक। अगर आप 1000 से ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए 7 सीटर 9 सीटर 8 सीटर की हर वीक आप लोगों के लिए एक तो भी वीडियो अपलोड करूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इसके अलावा मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कौन सी यूज्ड कार परचेज करनी है। अगर आपको कोई भी कार पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में डीलर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। ये डीलरशिप की मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ 5 सीटर कार की, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जितने भी कार्स मैं आपको बताऊंगा सब कार्स के प्राइस निगोशिएबल है। आपको डीलरशिप को कॉल करना है या फिर आप डायरेक्टली डीलरशिप पर विजिट करके उस कार के प्राइस के रिगार्डिंग निगोशिएशन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कोई याद से कमेंट करके ज़रूर बता देना कि 5 सीटर कार्स में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अब मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मैं कल आप लोगों के लिए पुणे जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि पुणे में जाके एक वीडियो बनाओ दूसरे डीलरशिप की भी, तो आपके लिए मैं पुणे भी जा रहा हूं। उसके अलावा मेरे को कमेंट सेक्शन में आप सिटी आपके कमेंट करके बता दो, मैं ट्राई करूँगा आपके सिटी में भी आके यूज्ड कार कवर करूँ। ऐसे ही मुझे हमेशा सपोर्ट दिखाते रहो, मैं ट्राई करूँगा हर एक सिटी कवर करूँ इंडिया की आप लोगों के लिए। बस आपके साइड से सपोर्ट चाहिए, हमेशा वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दिस वन इज़ टोयोटा इनोवा, 2011 का मॉडल है ये, सेकेंड ओनर डीजल, 1,28,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 6 लाख। ये कार आप 1 लाख रुपीज़ का डाउन पेमेंट पे करके आप परचेस कर सकते हो। दिस वन इज़ टोयोटा इनोवा सिंगल ओनर डीजल, 1,22,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 6,85,000। ये कार आप 1 लाख रुपीज़ का डाउन पेमेंट पे करके आप परचेस कर सकते हो।
दिस वन इज शेवरलेट एंजॉय 2014 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर डीजल, 62,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 4 लाख। ये कार आप 80,000 का डाउन पेमेंट पे करके आप परचेज कर सकते हो। दिस वन इज मारुति सुजुकी एर्टिगा 2016 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर डीजल, 48,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 8 लाख। ये कार आप 2 लाख रुपीज़ का डाउन पेमेंट पे करके आप परचेस कर सकते हो। दिस वन इज टोयोटा इनोवा 2009 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर डीजल, 98,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 6,50,000। जितने भी कार्स मैं आपको बताया हो सब कार्स के प्राइस निगोशिएबल है। आपको डीलरशिप को कॉल करना है या फिर आप डायरेक्टली डीलरशिप पर विजिट करके उस कार के प्राइस के रिगार्डिंग निगोशिएशन कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कोई ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कौन सी यूज्ड कार परचेस करनी है। तो गाइस यही था राइट चॉइस डीलरशिप के बारे में। डिस्क्रिप्शन में डीलर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, तो अगर किसी को कोई भी यूज्ड का परचेस करनी हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करके आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
राइट चॉइस में कार परचेज करने का बेनिफिट ये है कि आपको ऐसे RTO का प्रोसेस, इंश्योरेंस का प्रोसेस और जो कुछ प्रोसेस जरूरी होते हैं जो कार परचेज करने के बाद होते हैं वो सब आपको यहीं पे करा के मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ गिव अ वीडियो लाइक। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से पहले मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट देता हूँ कि कौन सी वीडियो मैं कब अपलोड करने वाला हूँ। तो भाई चलो फिर मिलते हैं इसको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।